र गाइस यहाँ चाहिँ एक से एक क्याम एकदमै भिडियो बनाउने आएको चाहिँ एकदम प्रो हेलो फैमिली नमस्ते। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में पेमा गोविंद दार्जिलिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और गाइस आज बहुत खुशखबरी है क्योंकि आज गुड न्यूज है क्योंकि आज हम लोग का फर्स्ट पेमेंट जो यूट्यूब के फर्स्ट पेमेंट जो आया था उससे हम लोग ने आज एक मेरा ड्रीम कैमरा जो है वो खरीदा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये और भी बहुत इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लेने लेकर आने वाले हैं और इसीलिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइस। तो प्लीज हम लोग का वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और गाइस सबसे पहले आप लोग को हम लोग का ये ड्रीम कैमरा दिखाने वाला हूँ जो आज हम लोग के पास आ गया है। और वो जो हम लोग 2.5 साल से मेहनत कर रहे थे उसका आज फल जो है वो हम लोग को मिल चुका है गाइस। तो कहते हैं ना कि सबर का फल मीठा होता है। तो हम लोग ने जब से यूट्यूब स्टार्ट किए थे तब से हम लोग लगातार हम लोग वीडियो डालते गए हम लोग कभी हार नहीं खाए तो इसी वजह से हार नहीं माने तो इसी वजह से आज हमारे पास है आप लोग को दिखाने जा रहा है टिंटन गाइस। ये देखिए मेरा ड्रीम कैमरा आ चुका है मेरे हाथ पे। तो सिर्फ मेरा नहीं है पेमा मैम और मेरा है। पेमा मैम ने भी बहुत सपोर्ट किया है इस चैनल में बहुत मेहनत किए हैं। तो आप लोग के लिए आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाने वाले हैं गाइस। तो आप लोग के सपोर्ट और प्यार की वजह से आज मैं इतना काबिल हो गया कि मैं ये कैमरा खरीद पाया गाइस। तो ये कैमरा कौन सा कैमरा है आप लोग को पता हो ही गया होगा। ये जो कैमरा है ये SJ कैम लीजेंड 6 है गाइस। तो हम लोग को GoPro कैमरा हम लोग के खरीदने के लिए अभी हमारे पास तो उतना पैसा है नहीं गाइस। जो हम लोग के YouTube चैनल से जो पैसा मिला था जो मेरा फर्स्ट पेमेंट था मैंने पूरा इसमें लगा दिया गाइस। तो अभी मतलब हम लोग क्योंकि हम लो, आप लोग के ही लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनाए इसलिए हम लोग देखिए फर्स्ट पेमेंट से ये देखिए ये कैमरा लिए हैं। अब आप लोग को ये ऑन करके दिखाएंगे अच्छा अच्छा वीडियो। ये देखिए ये अब ऑन कर रहे हैं कैमरा। ये गाइस सबसे पहले हम लोग आप ही लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए कैमरा यहाँ देख सकते हैं कैमरा गाइस कैसा लग रहा है कैमरे से। तो ये कैमरा है गाइस। तो अभी आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग ब्लॉगिंग करके आप लोग को दिखाएंगे गाइस। तो आप लोग को एंटरटेनमेंट और करेंगे अच्छा अच्छा लाएंगे कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। और आप लोग का प्यार और सपोर्ट की वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा हम लोग को सपोर्ट आप लोग किए हैं गाइस। तो ऐसे ही सपोर्ट बने रखेगा। और गाइस एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग का एक्चुअली हमारे जो भाषा है जो नेपाली भाषा है तो नेपाली लैंग्वेज है। तो नेपाली लैंग्वेज में जब ब्लॉग हम लोग करते हैं तो बहुत सारे कमेंट मेरे पास आया तो आया कि हिंदी में ब्लॉग करिए। आप लोग जितने भी हम लोग को बहुत प्यार करते हैं आप लोग कमेंट किए हैं कि हिंदी भाषा में बनाइए सर हिंदी भाषा में बनाइए आपका भाषा समझ में नहीं आता है। तो ये गुड न्यूज है कि आप लोग के लिए कि हम आज के बाद हम लोग सिर्फ हिंदी में ब्लॉग करेंगे हिंदी में ही वीडियो बनाएंगे आप लोग को ताकि मेरे जो जितने भी यूट्यूब फैमिली जितने भी है जिसको नेपाली भाषा समझ में नहीं आता है तो उन लोग के लिए मैं सिर्फ हिंदी में ही ब्लॉग करने वाला हूँ आज के बाद। तो आप लोग मेरी वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। आप लोग बहुत दिन से मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और आप लोग कमेंट भी करते हैं बहुत प्यार देते हैं। तो इसलिए आज के बाद मैं सिर्फ हिंदी में ही ब्लॉग करने वाला हूँ गाइस। तो मेरे वीडियो को प्यार दीजिएगा सपोर्ट करिएगा गाइस। तो मैं आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे जब छुट्टी में घर जाऊंगा मैं मंथ में तो हमारे दार्जिलिंग का जैसे कि जितने भी लाइफ स्टाइल है कैसे जा रहे थे लोग कैसा है वहाँ के लैंडफॉर्म कैसे है वहाँ लोग कैसे रहते हैं क्या वहाँ का स्पेशल डिशेस क्या होता है ना। तो ये सारी चीज आप लोग को मैं दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग तो घूमने जा नहीं पाते है ना बहुत सारी जगह पर नहीं जा सकते हिल स्टेशन पे घूमने नहीं जा सकते। तो वो लोग मेरे वीडियो में आप लोग हमारा मेरा जो मेन जो मेरा होम टाउन है दार्जिलिंग तो उसका मैं सारे व्यू वगैरह जो वहाँ पे खूबसूरत जो टूरिस्ट प्लेस है वो सारे आप लोग को दिखाऊंगा वहाँ का वादिया वहाँ कैसे क्या होता है और सिक्किम का भी दिखाऊंगा और नेपाल का भी आप लोग को बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे देखने वाले हैं गाइस। तो बहुत प्लानिंग कर रहे हैं तो हम लोग छुट्टी में जब जाएंगे तो आप लोग अच्छा अच्छा
हम लोग वीडियो लाने वाले, तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए गाइस। तो हम लोग अभी फिर हम लोग यहाँ जब तक रहते हैं, हम लोग यूपी में जब तक रहेंगे तब तक यूपी का ही ब्लॉग्स वगैरह आएंगे, और उसके बाद जब हम लोग घर जाएंगे मई मंथ में, तो उसके बाद आप लोग अच्छे से वीडियो आप लोग को आने वाला है गाइस, वीडियो आने वाला है, सपोर्ट करिएगा गाइस। तो सपोर्ट तो अभी तक मतलब जितने भी हम लोग का फैमिली है अभी तक हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोग से हम कहना चाहते क्या है, हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग के इतने प्यार और सपोर्ट बना के रखे हैं। और कुछ बोलना चाहते गोविंद सर, आप बोलिए। और गाइज आप लोग के मतलब जो सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल नहीं था। तो मेरे चैनल पे अभी 5140 सब्सक्राइबर है, अभी हो गया है। तो गाइज आप लोग के इतना प्यार मिलता है, आप लोग सपोर्ट करते हो, आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो, तो कभी कभी क्या होता है ना, मैं अपने भाषा में वीडियो डाल देता हूँ, तो तब आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने लास्ट टाइम भी बहुत सारी वीडियो जो है अपने लैंग्वेज में डाला था, तो आप लोग को बहुत परेशानी हुआ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और मेरे जितने भी हमारे दार्जिलिंग में रहने वाला, नेपाल में रहने वाले, और जो भी हमारे नेपाली दाजू भाई है, दीदी बहन है, तो सारे लोग को भी मैं मतलब सॉरी बोलना चाहता हूँ दिल से। हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही हमने हिंदी में ब्लॉग मतलब करना शुरू किया था, क्योंकि हम लोग यूपी में रहते हैं, 8 साल से यूपी में ही रह रहे हैं, तो इसलिए हम लोग के यहाँ के लोग जो दोस्त लोग हैं, जो जितने जो पहला हम लोग का जो सब्सक्राइबर थे सारे यूपी का, यही यूपी एरिया के थे, तो इसलिए हम लोग जो है हमारा वीडियो जो है हम लोग हिंदी में बनाते थे, क्योंकि हमारे जो नेपाली लैंग्वेज है वो लोग समझ नहीं पाते, तो इसी वजह से बहुत सारे जो सब्सक्राइबर जो मेरा सब्सक्राइबर जो है वो सारे जो है यहाँ के यूपी बिहार से जुड़ा हुआ है ना, यूपी बिहार से जुड़ा, और भी बहुत सारे मुंबई से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे जगह से जुड़ा है जिसको नेपाली भाषा समझ में नहीं आता है, तो इसी वजह से हम लोग आज के बाद हिंदी में ही ब्लॉग करने वाले हैं। हो सकता है कि दूसरे चैनल अगर हम लोग खोले तो उसमें हम लोग नेपाली अपना लैंग्वेज में करेंगे, क्योंकि हमें भी अपना भाषा में मतलब जो लैंग्वेज में बहुत प्यार है, हम लोग अपना लैंग्वेज करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसा होता है ना दोस्तों कि हम लोग दार्जिलिंग का बहुत सारी चीजें, खूबसूरत चीजें हम लोग नहीं दिखा पाते हैं जो बाहर के लोगों को, वो लोग क्योंकि समझ ही नहीं पाते तो वो लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। तो जैसे कि बहुत सारी चीजें जो होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूपी में 8 साल से रहते हैं, तो हम लोग कभी कभार जो यहाँ के जो भी दोस्त लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं हम लोग को, मतलब चाइनीज वगैरह बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो लोग हमारे भाषा जो अलग है वो समझ नहीं पाते हैं ना, लैंग्वेज समझ नहीं पाते। लेकिन हम लोग अगर यूट्यूब चैनल में हम लोग अपने भाषा में हमारे एरिया के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सारी चीजें जब बताएंगे तो उन लोगों को भी तो पता हो जाएगा कि हाँ ये लोग यहाँ रहते हैं, ऐसी जगह यहाँ ये जगह पे रहते हैं, तो ये सब चीजें उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो इसी वजह से मैं अब कंटिन्यू हिंदी में ही ब्लॉग करने वाला हूँ। और आप लोग को भी, जैसे आप लोग का जो यूपी बिहार, तो हम लोग घूम लिए हैं बहुत अच्छी तरीके, क्योंकि 8 साल में बहुत जगह घूमे, बहुत सारी चीजें देखे, तो आप लोग भी एक बार हमारा दार्जिलिंग का आप लोग भी दार्जिलिंग विजिट करने के लिए आइए, हमारे दार्जिलिंग भी आप लोग अगर आ नहीं पाए तो भी मेरे ब्लॉग मेरे वीडियो के द्वारा आप लोग दार्जिलिंग को एंजॉय कर सकते हैं गाइस। तो इसीलिए आप लोग जितने भी हैं, मेरे जो भी बड़े लोग हैं उसका सारे लोगों को मेरा नमस्कार, और जितना भी छोटे लोग हैं उसका बहुत सारा प्यार, तो बहुत सारे मेरा छोटे छोटे मतलब स्टूडेंट्स भी है जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, तो आप लोग को भी बहुत सारा प्यार। और आप लोग जो है आप लोग पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दीजिए, ये नहीं कहता कि मेरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है, देखो मैं ये नहीं कहता, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग टाइम में जैसे कि हर चीज का टाइम होता है, जैसे कि आप खेलने का भी टाइम होता है, खाने का भी टाइम होता है, पढ़ने का भी टाइम होता है, और टीवी देखने के भी टाइम होता है, मोबाइल यूज करने के लिए भी टाइम होता है, तो मैं हमेशा ये बच्चों को ये बोलता हूँ जो भी बच्चे हैं, तो उन लोग को ये बोलता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग हर चीज टाइम में करो, अगर एटलीस्ट दिन में 2 घंटे आप पढ़ 2 घंटे या 3 घंटे आप लोग हर रोज पढ़ो है ना, उसके अलावा जो भी टाइम बताया खेल, उसके बाद खेलो कूदो, टीवी देखो, मोबाइल चलाओ, कुछ भी करो, क्योंकि बच्चों को जितने बार बोलेंगे हम लोग मोबाइल मत चलाओ फिर भी मोबाइल चलाते हैं, यूज करता ही है, तो आप लोग का मैं पेरेंट्स लोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर बच्चों को अगर
आप लोग बोलते हो कि मोबाइल मत देखो मोबाइल, तो उन लोग का टाइम बना दीजिए कि उन लोग एटलीस्ट 2 आवर्स एटलीस्ट डेली पढ़े, और उसके बाद ही आप लोग बोलिए बच्चों को कि तुम अगर टाइम से अच्छे से ध्यान लगा के अगर 2 घंटा पढ़ोगे हर रोज, या 2 घंटा या 3 घंटा पढ़ोगे, टाइम टेबल बना दीजिए, उसके बाद 2 घंटे या 3 घंटे उसको बोलिए कि पढ़ो 2 घंटे 3 घंटे, तभी आप लोग आपको मोबाइल मोबाइल मैं चलाने दूंगा, मोबाइल मिलेगा मोबाइल चलाने दूंगा, खेलने को दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा, क्योंकि उसका टाइम टेबल सेट कर दीजिए। तो इससे बच्चे क्या है, जैसे आप आजकल तो पढ़ाई में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब मोबाइल जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, तो बहुत सारे जैसे कि हम लोग गूगल में जो नहीं आता है गूगल से सर्च कर लेते हैं, ये सब चीजें मिलता है, और डिक्शनरी वगैरह मोबाइल से ही आज इजी हो गया है, डिक्शनरी वगैरह हम लोग अपलोड करते हैं मोबाइल में, वहीं से हम लोग वर्ड मीनिंग वगैरह निकालते हैं, तो ये सब चीज सारी चीजें है, तो अभी मोबाइल हर चीज में काम आता है, तो उसमें बच्चों को मतलब उसमें काम करना भी होता है, तो इसलिए बच्चों को हम लोग ये नहीं कह सकते कि मोबाइल टच ही मत करना, ये नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग का सब टाइम होना चाहिए, सही टाइम पे सही हम लोग अगर सही इस्तेमाल करें, सही टाइम का सही इस्तेमाल करें, तो कोई टेंशन नहीं कि मोबाइल चलाओ चाहे कुछ भी करो, क्योंकि बच्चे कभी कभी दिन भर गेम खेलते हैं, ये में सही बात नहीं, लेकिन आप लोग अगर सही टाइम बनाएंगे हर चीज के लिए तो वो सही है, सब सेट हो जाएगा, टेंशन नहीं है उसमें, तो और जितने भी बड़े लोग हम लोग का वीडियो देखते हैं, जो भी यूपी बिहार में रहते हैं कहीं पे रहते हैं, तो आप सभी जैसे कि नेपाल में रहते हैं, यूपी बिहार में रहते हैं, और भी बहुत सारे मुंबई में रहते हैं, जितने भी जहाँ दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों के द्वारा ये आप लोग के द्वारा दिया गया गिफ्ट है, ये जो आप लोग नहीं होते तो फिर हम लोग ये हासिल नहीं कर पाते, ये जो गिफ्ट है ना, ये आप लोगों के द्वारा मिला है मुझे, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, जितने भी मेरा यूट्यूब फैमिली है और जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप लोग भी पेमा गोविंद दार्जिलिंग चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप लोग को भी दार्जिलिंग हिल स्टेशन के बहुत अच्छे वीडियो और अच्छी अच्छी चीजें वहाँ पे, टूरिस्ट प्लेस वगैरह आप लोग भी जान जाएंगे कि कहाँ पे क्या है, कैसा है, कैसे घूमना है, सारी चीजें आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मेरे वीडियो में बाद में, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, तो मेरा चैनल का नाम आप लोग को पता ही है, पेमा गोविंद दार्जिलिंग, पेमा मेरा वाइफ का नाम है और मेरा नाम है गोविंद, और दार्जिलिंग मेरा प्लेस है, तो गाइस तो इसी वजह से मेरा चैनल का नाम है पेमा गोविंद दार्जिलिंग, और ये ब्लॉग मैं क्या करता हूँ, अपने ब्लॉग करता हूँ, अपने लाइफ स्टाइल मतलब दिखाता हूँ, और लाइफ स्टाइल के बारे में जानकारी देता हूँ, और मैं ब्लॉग्स वगैरह करता हूँ, कहीं नया जगह पे जाता हूँ तो उसको एक्सप्लोर करता हूँ, तो ये सब वीडियो मेरे चैनल पे आएगा, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिएगा, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया मुझे, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखेगा दोस्तों, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आने वाले हैं, और एक पहले ही बोल दिया मैंने एक बात, क्योंकि आज के बाद मैं आप लोग को हिंदी में ही ब्लॉग करने वाला हूँ, और हिंदी में ही करूंगा, पहले भी हिंदी में ही करता था, तो अभी भी बीच में मैंने थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में ब्लॉग थोड़ा बनाना शुरू किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, वो कमेंट भी आप लोग को शो कर दूंगा, कौन सा मतलब कोई किसने बहुत सारे सब्सक्राइबर जो मेरा यूट्यूब फैमिली है उसने मुझे मैसेज किया था कि सर आप हिंदी में ब्लॉग बनाइए, नेपाली समझ में नहीं, आपका लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को जो इतना प्यार करने वाले जो सब्सक्राइबर है मेरा जो फैमिली है, तो उन लोग के लिए मैं पूरा यूट्यूब जो है आज के बाद मेरा जो वीडियो है वो सारे वीडियो मैं हिंदी में ही बनाऊंगा, तो आप लोग को मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ जितने लोग मेरे वीडियो को देखते थे और बीच में जैसे अपने लैंग्वेज में वीडियो बनाया तब आप लोग को भी आप लोग समझ में नहीं आया, उसके लिए मैं बहुत दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ गाइज, तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को लेके दूसरे ब्लॉग में फिर से मिलेंगे, आप सभी तो मेरा एक फैमिली बन चुके हैं, मेरा सारे जितने भी 5140 फैमिली को मेरा दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और आज के वीडियो में मैं ये भी एंड करना चाहता हूँ, तो गाइस मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, और बहुत अच्छा सा वीडियो आने वाला है, तो बाय बाय।